ही मनुष्य कहते हैं कि हमको मन की शांति चाहिए, कामन आते नहीं तो ये कामन कहते हैं कि मन की शांति चाहिए। अंग्रेजी में भी कहते हैं पीस ऑफ माइंड। अभी ये भी चीज समझने की है कि कहते हैं पीस ऑफ माइंड तो अभी मन की शांति तो मन ने कोई हमको अशांत किया है या अशांति का कारण कोई और है, क्योंकि मन की शांति के कारण वो समझते हैं कि ये मन जो है ना, मन जो संकल्प चलते हैं, इसीलिए कहीं समझते हैं कि इसी संकल्प को कंट्रोल कर देवे हाँ तो फिर वो चलेगा ही नहीं, शांत हो जाएगा तो पीस ऑफ माइंड हो गई। इसीलिए वो उपाय करते हैं उस तरीके के कि बैठ कर करके हठ योग से अथवा हठ से मन को जड़ बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहीं किया आठ आठ मास वो खड्डे खोद कर कर करके यहाँ बैठ जाते हैं, या कहीं कहीं समझते हैं कि हाँ ऐसे ही बैठे कि संकल्प न चलावे, तो इसको कहा जाएगा अभी यहाँ ये पीस ऑफ माइंड हुई अर्थात मन शांत हुआ। इसलिए मन को कंट्रोल करने की अथवा संकल्प जो चलते हैं उनको बैठ को दमन करने की कोशिश करते हैं, परंतु वास्तव कर करके कोई हमको संकल्पों को बैठ कर करके कंट्रोल करना या हमको इसी को जड़ बनाना, ये कोई पीस ऑफ माइंड का तरीका नहीं है। हमारे को चाहिए, क्योंकि मन का तो काम ही है संकल्प, संकल्प तो आत्मा का चेतनता है नहीं। मनुष्य में जब जगह संकल्प सोच नहीं है तो डेड बॉडी है, उससे क्या निकल जाती है, वही संकल्प सोच चेतनता जो ही है। सोचना और संकल्प होना वो चीज नहीं है ना, डेड बॉडी पड़ी है तो वो तो हमको कोई डेड तो नहीं बनना है ना हा? कि हमारा कोई संकल्प न चले, कुछ सोच न चले, बस हम एकदम डेड हो जाए, जैसे रात को सो जाते हैं एकदम कुछ भी न हो, तो हमारी कोई मन की शांति की स्टेज वो नहीं है। इसको नहीं कहेंगे हम जर हो जाए, जैसे रात को सो जाते हैं कोई सोच नहीं, कोई संकल्प नहीं, या मनुष्य डेड पड़ा है तो कोई संकल्प नहीं कोई सोच नहीं, तो ऐसा डेड हो जाना या कुछ रहे नहीं संकल्प का, तभी कहे कि ये पीस ऑफ माइंड है। इसलिए हट से कहीं बैठ कर करके ये तरीके अपनाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ऐसे हो जाए तभी हमारा है कि मन शांत हुआ, परंतु तो ये नहीं है। मन शांत की अर्थ को भी समझना है, और मन का मतलब ये नहीं है कि हम खाली संकल्पों को बैठ कर करके कंट्रोल करें। संकल्प के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, हमको तो कर्म योगी है नहीं, गीता के भगवान ने कहा कर्म योगी, कर्म बिना संकल्प चलेगा ही नहीं, संकल्प न हो सोच न हो तो कर्म कैसे चलेगा। और उधर भगवान ने कहा कर्म योग, और उधर भगवान के लिए भी स्वयं कहते हैं कि भगवान को भी संकल्प हुआ कि मैं सृष्टि रचूं, तो जब भगवान को भी संकल्प हुआ तो हम संकल्प को कैसे दमन करें हा? भगवान को भी एक तरफ कहते हैं संकल्प हुआ कि सृष्टि रचें, तो जो भगवान भी संकल्प में आया सृष्टि रचने के लिए, तो हम सृष्टि में चलने वाले हा? वो फिर कैसे संकल्प को दमन करें। तो ये सारी चीजें समझने की है, नहीं तो हमारे को पीस ऑफ माइंड के लिए क्या चाहिए, पीस ऑफ माइंड है कौन सी चीज। तो अभी बात बैठ कर करके समझाते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं है कि तुमको संकल्प को बैठ कर करके जड़ बनाना है, परंतु इसी संकल्प में जो तुम्हारे ये माया के पांच विकारों के जो संकल्प है, जिसको कहा जाता है विकल्प, यानी संकल्प कहा जाता है, संकल्प तो कॉमन है, जो भी विचार या चलता है उनको कहेंगे संकल्प। अभी संकल्प को चाहे विकल्प बनाओ, चाहे निसंकल्प अथवा शुद्ध संकल्प बनाओ, बात एक ही है। एक है शुद्ध संकल्प, दूसरा है विकल्प। जैसे कर्म कॉमन है, जनरल जनरल हम जो भी कुछ करते हैं वो कर्म, कर्म धारा मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है, तो कर्म तो जनरल है। अभी उसी कर्म को चाहे हम विकर्म बनाए, चाहे शुद्ध कर्म बनाए अथवा श्रेष्ठ कर्म बनाए, तो एक है श्रेष्ठ कर्म और दूसरा है विकर्म। विकर्म माना हम विकारों के संबंध में जो भी कर्म करते हैं वो हमारा विकर्म बनता है।
और उससे हमारा पाप बनता है। और शुद्ध कर्म अथवा श्रेष्ठ कर्म, जो हमारा कर्म श्रेष्ठ है यानी विकारों के बिना, उनको कहा जाएगा श्रेष्ठ कर्म। तो अभी श्रेष्ठ कर्म और विकर्म, कर्म तो जनरल है ही, अभी कर्म को चाहे विकर्म बनाए चाहे श्रेष्ठ कर्म बनाए। तो ये हुआ जैसे कर्म को चाहे हम विकर्म बनाए चाहे श्रेष्ठ कर्म बनाए, इसी तरह से संकल्प तो जनरल है ही, अभी संकल्प को चाहे हम विकल्प बनाए चाहे हम उसको शुद्ध संकल्प मिला। तो अभी हमको ऐसा नहीं है कि संकल्प को बंद करना है, जैसा ऐसा नहीं है कि हमको कर्म को छोड़ना है, लेकिन कर्म को हमको शुद्ध बनाना है अर्थात श्रेष्ठ बनाना है। तो हमको श्रेष्ठ कर्म करना है, जिसी के प्रारब्ध से कर्म को उसी की प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो अभी हमको कर्म को शुद्ध करना है, नहीं कर्म तो छोड़ नहीं देना है, नहीं कर्म को परिवर्तन में लाना है शुद्ध। इसी तरह से हमको संकल्प को कंट्रोल नहीं करना है, तो वो ही दमन कर उसको खत्म कर दे संकल्प को, नहीं जैसे कर्म को ही खत्म कर दे ऐसा नहीं है, लेकिन कर्म को चेंज करना है शुद्ध में लाना है। इसी तरह से हमको संकल्प को कंट्रोल नहीं करना है, परंतु संकल्प को शुद्ध संकल्प में अथवा जिसको हम कहें कि शुद्ध संकल्प उसी में लाना है। तो ये निस्संकल्प, निस्संकल्प का भी अर्थ है कि विकल्पों के संकल्प से निस्संकल्प, बाकी ऐसे नहीं कोई संकल्प ही न हो। तो ये सारी चीजें समझने के, इसीलिए इसका हठ बैठ करके हठ योग या कहीं बैठ करके तरीके अपनाना कि हम अपने को जड़ कोई संकल्प ही नहीं चले एकदम उसी का बैठ करके प्रयत्न करने की कोई दरकार नहीं है। हमको दरकार काहे की है कि हमारे जो संकल्पों में विकल्प है यानी माया के जो विकारों के संकल्प है उसी को कट ऑफ करना है। तो वो हमको कैसे कट ऑफ हो अथवा उसी विकल्पों से हम कैसे छुटकारा पाए, जब हम विकारों से छुटकारा पाए, नहीं विकारों में है तो विकल्प जरूर चलेंगे और विकर्म भी जरूर होंगे। अगर विकारों को ही हम कट कर देंगे तो फिर हमारे विकारों के न संकल्प होंगे और न हमारे विकर्म ही होंगे। तो हमको अपने विकल्प से छूटने के लिए, जिसको निर्विकल्प समाधि कहा जाता है, कहते हैं निर्विकल्प समाधि। अभी निर्विकल्प समाधि का भी अर्थ क्या है, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एकदम संकल्प ही नहीं चले, हम समाधि में चल जाए जैसे कहीं बढ़कर समझ के बस चल गया उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, इसको कोई निर्विकल्प समाधि नहीं। निर्विकल्प है जिसमें कोई माया के विकारों के संकल्प, जिसको विकल्प कहा जाता है, वो विकल्प न हो। बाकी हमको अपने कर्म का अथवा श्रेष्ठ कर्म का संकल्प, वो तो हमारा कर्म चलना ही है ना, बाकी हमको माया के जो बुरे विकारों के जो विकल्प है उन्हीं से। तो वो है हमको अभी समझने की बात कि हम विकारों से जब छुटकारा पाए तभी हमारा विकर्म भी छूटे और विकल्प भी छूटे। तो विकल्प और विकर्मों से छूटने के लिए पहले विकारों से ही छूटना पड़े ना, फिर हमारे जाकर कर करके शुद्ध संकल्प और शुद्ध कर्म अथवा श्रेष्ठ कर्म रहेंगे, जिसके आधार से फिर हम श्रेष्ठ कर्मों से अपनी उच्च प्रारब्ध को पाएंगे। तो हमको चेंज करना है, परिवर्तन लाना है, बाकी ऐसे नहीं है कि संकल्प को दमन करना है या कर्म को छोड़ देना है, नहीं न कर्म को छोड़ने की बात है, कर्म तो छूटा ही नहीं जा सकता है। सन्यासियों के लिए भी जो कहते हैं कर्म संन्यास, अभी वो कर्म का संन्यास है नहीं, वो घर गृहस्थ का संन्यास कह सकते हैं, गृहस्थ व्यवहार का, लेकिन जाते हैं संन्यास भी तो एक कर्म है ना, तो भी जाकर के वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ना और जो भी कुछ दूसरों को भाषण देना या शिक्षा दे, जो भी कुछ करते ये भी तो कर्म है ना। तो कर्म से तो मनुष्य छूटा नहीं जा सकता है, हाँ एक छोड़ के दूसरा कर्म अपनाते हैं, परंतु ऐसे तो नहीं कर्म से, कर्म के धारा तो रह नहीं सकते हैं। तो ये सभी चीजें को समझना है कि कर्म का संन्यास अथवा संकल्प का एकदम दमन करना, ये चीजें तो आर्टिफिशियल और हो भी नहीं सकती है, लेकिन हमको करना क्या है कि हमारे संकल्प को पवित्र बनाना है, और पवित्र तभी बनेंगे जब हम विकारों से छुटकारा पाएंगे, तो हमारे संकल्प में भी पवित्र संकल्प रहेंगे और उसी के आधार से हमारा कर्म भी पवित्र रहेगा, जिसको फिर कहा जाता है कर्म श्रेष्ठ अथवा हमारा संकल्प शुद्ध। तो ये सभी चीजें हमको समझनी है, इसीलिए बाप कहते हैं कि मैं तुमको देखो पहला पहला संकल्प देता हूँ शुद्ध बनाने का और शुद्ध रहने का, ये कि मुझे याद करो, हाँ जब खाली होते हो तो मुझे याद करो, फालतू बुद्धि इधर उधर भागे दौड़े उससे मैं काम दे देता हूँ, बस मुझे याद करो। तो ये तो बिजी है ना बुद्धि रखना कि बाप को याद करना, आई एम सोल
पर आप सुप्रीम सोल हर वक्त अपने को इसी बुद्धि में रखना। हाँ, बाकी काम का कोई बुद्धि देने की है तो अच्छा वो समय काम की बुद्धि दे। कोई काम है जो अपना शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसमें कहाँ जरूरी है तो चलो बुद्धि दे दियो, बाकी बुद्धि फालतू इधर उधर उधर है, बार बसे तो झट से फिर उसी काम में लग जाओ। आई एम सोल सन्नाफ सोल, उसमें बुद्धि लगा दो तो देखो मन को काम मिल गया ना। हाँ, तो वो काम उसी में बिजी, तो उससे तुम्हारा फायदा भी निकलेगा, तुम्हारे शुद्ध कर्म भी रहेंगे और तुम्हारा शुद्ध संकल्प भी रहेगा, उसे तुमको पाप को भगत करने का बल भी मिलेगा, तुम्हारा काम भी होता रहेगा और तुम्हारी बुद्धि जो है या मन जो है उल्टे तरफ कहाँ नहीं जाएगा, उसी से तुम बच्चे भी रहेंगे, तो सेफ्टी हो गई ना। अब इसको कहेंगे निर्संकल्प समाधि कहो या निर्विकल्प समाधि कहो, यानी इसी में स्थित रहना। बाकी ऐसे नहीं है कि संकल्प को बढ़ करके दमन करना या कोई संकल्प चले ही नहीं, उसको अपने को जड़ बनाना, जैसे डेड बॉडी पड़ी है अपने को डेड बनाना, या हम जैसे रात को नींद में तो कुछ संकल्प सोच है ही नहीं, ऐसे अपने को बढ़ करके जड़ बनाने की कोशिश करनी है, नहीं ये तो फिर हठ योग हो जाती है। ये हठ है, इसी हठ से परमात्मा ने भी कहा इन्हीं से मेरी कोई प्राप्ति का तहलीक नहीं है, मैं इन्हीं से नहीं प्राप्त होता हूँ, मैं तो प्राप्त होता हूँ जो बढ़ कर करके मैं सिखाता हूँ। तो मन मना भर, देखो कहा भी नहीं गीता में मन मना भर, मन को मेरे में लगा, ऐसे थोड़ी कहा मन को जड़ बनाओ, नहीं कहा मन को मेरे में लगा, कहा ना मन मना भर, माम एकम मुझे याद करो, तो माम एकम मुझे एक को याद करो, कान याद करो तो वो भी तो बुद्धि का संकल्प हुआ ना। परंतु ऐसा नहीं कहा कि संकल्प को जड़ करो डेड करो या उनको एकदम जड़ हो जाओ, नहीं। तो ये जो हठ योग और ये सभी जो बातें हैं, इसीलिए कई जो पीस ऑफ माइंड या मन की शांति इसी को समझते हैं कि ये मन का जो संकल्प है उसी को दमन करना और फिर उसमें समाधिष्ट अवस्था में चढ़ जाना, जड़ हो जाए कुछ पता न चले, उसको समझते हैं इसकी समाधि चढ़ गई या इनका ये होगा, नहीं वो तो ये ट्रांस में जाते हैं, उसी को भी हम नहीं कहते हैं कि ये कोई यहाँ निर्संकल्प या निर्विकल्प समाधि, तो ट्रांस ट्रांस एक अलग चीज है, वो तो दीदार होता है देखते हैं, चलो दीदार भी न हो कुछ देखे भी नहीं, ऐसे ही साइलेंस में भी कहीं चले जाती है, परंतु उसको भी कोई निर्संकल्प या निर्विकल्प समाधि थोड़ी कहेंगे, वो तो हुआ वो है कि हाँ सही से पार हो गए, परंतु हमको तो उसी में रहना है, नहीं कर्म करना है और कर्म से हमको अपने कर्म से श्रेष्ठ बनना है, उससे हमको अपनी प्रारब्ध बनानी है, इसलिए ये हम चित करके ऐसा एकदम जड़ होकर के कितना समय बैठ जाएंगे हाँ, और हमको कर्म तो कैसे बैठ जाए, बस बैठे 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 सब कुछ हो जाएगा क्या, नहीं। और भगवान का हुक्म है कर्म योगी रहो, कर्म करो, तो कर्म करने के लिए संकल्प भी तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे ये संकल्प सोच कर्म तो अनादि चीजें हैं, इसी को जड़ बनाना ये तो आर्टिफिशियल है चीज, ये संकल्प भी अनादि है, संकल्प सोच और ये कर्म, तो कर्म सृष्टि तो अनादि है, इसको कहा जाते हैं कर्म क्षेत्र, तो ये कर्म की क्षेत्र भी अनादि है, ऐसे नहीं कहेंगे कभी ये कर्म की क्षेत्र थी नहीं, नहीं ये बोना और पाना ये सृष्टि अनादि है, तो कर्म है तो संकल्प भी है सोच भी है, ये दोनों चीजें है ही साथ, कर्म बिना संकल्प सोच के हो ही नहीं सकता, तो कर्म क्षेत्र अनादि है तो संकल्प सोच भी अनादि है, इसी अनादि चीजों को बढ़कर करके जड़ बनाना या डेड करना, उनका बढ़कर करके पुरुषार्थ करना, ये तो व्यर्थ पुरुषार्थ है, इसीलिए बाप कहते ये हठ योग और ये सभी तरीके जो है ये तो नियमों के बरखिलाफ है, नेम है संकल्प सोच कर्म अनादि चीजें हैं, अनादि चीजों को बढ़कर कर करके यहाँ सपना या उनके लिए हम उसको डेड बनाए, उनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, हमको जरूरत है उसमें जो हमारे विकल्प आए हैं, विकल्प आए हैं उसी से हमारे जो विकर्म हुए हैं, तो विकर्म और विकल्प आने के नतीजे में जो हम दुखी हुए हैं उन्हीं के कारण ही दुखी हुए है ना, वो हमारे दुख के कारण बनाने वाली जो चीजें हैं विकर्म और विकल्प वो कैसे छूटे, वो छूटेंगे तभी जब विकारी निकल जाएंगे, विकारी निकल जाएंगे तो न विकल्प होगा न विकर्म होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा शुद्ध संकल्प और शुद्ध कर्म रह जाएगा, इसी से फिर हमारी प्रारब्ध भी श्रेष्ठ रहेंगे, ये तो सीधी बात है ना, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अपने संकल्प को शुद्ध बनाना यही निर्संकल्प समाधि है और यही निर्विकल्प समाधि है, बाकी ऐसे नहीं इसको जड़ बनाना शुद्ध बनाना न कि जड़ बनाना, ये कंट्रास्ट समझना है, कई समझते हैं इसको जड़ बनाना है, जड़ समझते हो ना एकदम इसको डेड कर देना, जैसे ये जड़ वस्तु है ना इसको जड़ कहेंगे, चैतन्य नहीं है ये जड़ है, तो उसको एकदम अपने को जड़ कर देना
यानी कुछ एकदम जैसे जो पता ही नहीं रहे, तो वो तो अपने को जड़ बनाना है नहीं। आत्मा तो चैतन्य है, मन बुद्धि सहित है, उसमें संकल्प और सोच है। तो हमको संकल्प सोच वाली आत्मा को पवित्र बनाना है, न कि उनके संकल्प सोच को जड़ बनाना है। तो जड़ बनाना और शुद्ध बनाने का डिफरेंस है। तो हमको जड़ नहीं बनना, हमको शुद्ध बनना है। तो शुद्ध बनने के लिए हमको परिवर्तन लाना है अपने संकल्प में, अपने कर्म में चेंज लाना। उसके लिए हमको चेंज की जरूरत है, न कि हमको जड़ बनने की जरूरत है। तो ये सभी चीजें, इसीलिए कई जो बर करके ये हठ योग या प्राणायाम या ये समाधि चराना या ये सब जो बर करके तरीके कहीं अपनाते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, ये कोई पीस ऑफ माइंड का तरीका नहीं। तो ये सभी चीजें भी समझने की है। कई इसी चीजों में समझते हैं कि ये अभी देखो ये समाधि में चल गया, ये पीस ऑफ माइंड में गया, पर वो पीस ऑफ माइंड नहीं है। पीस ऑफ माइंड का भी अर्थ समझना है ना। तो वो तभी है जब हमारे को, हाँ, जिस अशांति हमको आती कहाँ से, पीस और अंत में पीसफुल का कहा जाता है, शांति और अशांति के दो शब्द है ना। तो अशांति और शांति का कंट्रास्ट जो है वो हमारे सारा कर्म से पहले है। तो ये सभी चीजों को समझ रहे हैं, हमको शांति भी तब मिलेगी जब हमारे कर्म श्रेष्ठ है और उसके अनुसार हमको जो प्रालब्ध प्राप्त होती है उसी में हम सुखी रहते हैं, तो शांत है। नहीं तो फिर अशांति है दुख के कारण। बाकी ऐसे नहीं है कि मन चलता है उसी से अशांत है। मन हमारे विकल्पों में चलता है, विकल्प और विक्रम हमको दुखी करते हैं। तो हमको छुटकारा होना है उसी विकारों से जो हमारे विकल्प और विक्रम बनाती है। तो इसीलिए हमको मन को जड़ बनाना, या कई समझते हैं शरीर में ही न आवे, इसी से कई फिर समझते हैं शरीर में ही न आवे। तो न शरीर में न आवे न ये जो एम है, या कई ऐसे समझते हैं ये भी रॉन्ग है। तो न मन में आवे न शरीर में आवे ये जो विचार करने, इसीलिए मन को बढ़कर करके दमन करना या शरीर से यहाँ कहाँ चले जाना है बाहर, ऐसे ऐसे जो बढ़कर करके कई साधनाएं करती है, इसी साधनाओं की कोई आवश्यकता, क्योंकि हमको शरीर में आना है। आत्मा मन बुद्धि है तो हमको शरीर में आना ही है। तो आना है उसमें हमको किस तरह से चलना है, किस तरह से रहना है और किस तरह से हमको अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखना है, उसी चीज को समझना है। तो उसी के लिए बात कहते हैं, मैं आकर करके वो नॉलेज समझाता हूँ तो तुम कौन सी चीज हो और तुम्हारे को शरीर में किस तरह से रहना चाहिए और तुम्हारी पवित्र स्टेज क्या है, वो चीजें मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं आकर करके तुमको वो चीज समझाता हूँ जिसी के समझने से तुम फिर सदा सुखी रह सको। तो ये सभी बातें यथार्थ समझने की हैं। बाकी इसके लिए बैठ करके जिसके मन में जो आया किसी ने समझा, ये मन ही न हो ना, हा? ये जो संकल्प करता है, ये जो करता ये वो, इसीलिए कई समझते हैं हम इच्छाएं को दमन करें, हाँ ये इच्छा, ये कई फिर समझते हैं इच्छाई जो है वो हमको अशांत करे, हम इच्छाई न करें। हाँ, यहाँ तो समझे जो प्राप्त है वो ही सब ठीक है। हाँ, फिर चाहे हमको रोग आए ना तो भी हम समझे ये भी भगवान ने दिया है, ये भी ईश्वर का दिया हुआ, ये भी सब कुछ हुआ, ईश्वर का भाड़ा मीठा करके भोगो, ऐसा ऐसा बैठ कर कर करके देते हैं तो जो मिला सो हाँ ठीक है, ऐसी ऐसी बात कर करके उसको, वो तो हुआ टेम्पररी अपने दिल को तसल्लिया देने के लिए, क्या भाई जो दिया ईश्वर ने दिया अपने को क्या करे, आया है दुख तो उसको किसी तरह से तो अपने मन को हाँ शांत रखने के लिए वो तो है, किसी को तसल्लिया देना होता है ना उसी तरह। लेकिन प्रैक्टिकल तो जो चीज है जिससे हमको अशांत दुख होता है वो चीज हमारे से मिटे कैसे, उससे हम क्या रोगों से मिट नहीं सकते हैं, क्या हमारे अशांत और दुख के जितने भी कारण है वो क्या मिट नहीं सकते हैं, उसको हम ईश्वर का भाना समझ कर करके मीठा कर करके भोगे, वो तो है आया है तो भोगना ही है, तो मीठा करके भोगे तो भी भोगना पड़ेगा, कड़ा करके भोगेंगे तो भी भोगना ही पड़ेगा, इसी से अच्छा मीठा करके भोगते हैं, वो तो वह दिल को तसल्लिया दे करके करके उसी बात को चलाना। परंतु क्या हमारे प्रैक्टिकल इसी कर्मों में ये चीज आती क्यों है, इन्हीं का कौन सा उपाय है जो हम इन चीजों से छुटकारा पावे। तो बाप कहते हैं बच्चे इन्हीं चीजों से ये कोई जरूरी नहीं है, ये अशांति रोग अकाले मृत्यु या ये सब दुख के जितने भी कारण है ये कोई जरूरी नहीं है, जिसको फिर तुम समझो ईश्वर का भावना ईश्वर ने ये दिया है, मैं कोई तुमको बैठ के रोक दूंगा क्या, यहाँ काले मृत्यु दूंगा क्या, मैं क्यों तुमको दुख है, ये सभी चीजें ये तो तुम्हारे कर्म थे। लेकिन कौन से कर्म, यही विकर्म, विकार के संग में जो तुमने अपने कर्म बनाए हैं उन्हीं का कारण उन्हीं का नतीजा ये दुख है, अभी उसी का संग छोड़ तो तुम्हारा नतीजा फिर सुख का हो जाएगा।
तो ये सभी चीजें समझने की है ना। तो इसीलिए कहीं कहीं जो तरीके बढ़ कर करके पीछे वालों ने लगाया है वो है दिल पर सिला के बिचारों को, जैसे जैसे जिसको किसी ने समझा ईश्वर का भाना समझेंगे तो मीठा लगेगा, दुख तो आया है पर उसको दुखी होगा के भोगे, इसीलिए अच्छा ईश्वर का समझेंगे तो थोड़ी तसल्या। परंतु ऐसे तो नहीं ना, उसे कितना काल हो उसी तसल्या में चलेगा। दुख आता है, मनुष्य पीड़ित होता है, कई बातें होती है तो दुख तो दुखी करेगा ना, दुख का मतलब है दुखी करना। तो इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे ये कोई दुख जो चीज ही दुख है उसी का मिटने का उपाय समझो, बाकी ऐसे नहीं दुख आ रहे तुम उसको मीठा करके भोगो, नहीं दुख आ रही क्यों, वो बनाई क्यों, उसके बनाने वाला कौन, तो तुम ही हो ना उसके बनाने वाला, तुमने बनाया लेकिन किसी रॉन्ग पॉइंट से, किस रॉन्ग तुमने कोई जरूर भूल की है, किसी भूल अवश्य बनाया है, वो भूल को समझो, उसी भूल को करेक्ट करो तो फिर तुम्हारा दुख बने ही नहीं और तुम भोगो ही नहीं। बाकी ऐसे नहीं आ रहे तो उसको मिटा करके भोगने के लिए तुमको तत्सल्या के तरीके बतलाए, नहीं ये हो ही ना ना। तो इसीलिए बाप कहते बच्चे वो हो ही ना, उनका तरीका कौन सा वो मैं बतलाता, बाकी तुमको दूसरे जो है ना वो ये तसल्या के, चलो तुम्हारा मन बस इसको पीसा माइंड चाहिए, चलो इसको जड़ बनाने का ये रास्ता करो, कहा टेम्पररी हो थोड़ा समय, जड़ कितना समय बैठ सकेगा, थोड़ा समय कर करके आपने तो जड़ भी बनाए, चलो कोई संकल्प नहीं, तो कहा तक ये सारा समय तो बात होने की भी नहीं है, हो भी नहीं सकता है, इसीलिए टेम्पररी, इसको कहा जाता है टेम्पररी अलग काल के लिए। तो ये सभी बातें हमको अलग काल की शांति या अलग काल का सुख या अलग काल की ये सब देते, सदा काल की तो नहीं देंगे ना। तो बाप इसीलिए कहते हैं मैं आकर करके सदा काल की देता हूँ और ये मनुष्यों के द्वारा तुमको अलग काल की, ये अर्थ योग प्राणायाम फलानी फलानी जो भी या समाधि चराना या ये सब जो चीजें हैं ये सब तुमको बैठ करके अलग काल की प्राप्ति देने की चीजें हैं। तो वो अलग काल मैं तो सदा काल का देता हूँ जिससे तुम सदा के लिए इसी दुखों से छुट जा और सदा के लिए सुख पाओ। तो ये सारी चीजों के कंट्रास्ट को भी समझना है, इसीलिए बाप कहते हैं मेरा काम और कोई नहीं कर सकता है। तो मेरा काम नया हो गया ना, मनुष्यों का काम और मेरे काम में रात और दिन का फर्क है, मैं जो सिखाता हूँ उसकी जो प्राप्ति है वो सबसे श्रेष्ठ है और मनुष्य जो सिखाते हैं और मनुष्यों से जो प्राप्त होती है वो अलग काल की है, इसीलिए मेरे प्राप्ति और उनके प्राप्तियों में रात और दिन का फर्क। तो ये सारी चीजों को अच्छी तरह से समझना। अच्छा टाइम है, 2 मिनट।